FIR करवाई थी। FIR नंबर 60 है और डेट 29 जून 2018 में मैंने FIR करवाई थी वुमेन पुलिस स्टेशन में अनुराग सैनी के अगेंस्ट। सर मेरा रिलेशनशिप था अनुराग सैनी के साथ, उनके फादर का नाम देविंदर सैनी है, वो सेक्टर 9 में रहता है। मैं प्रेग्नेंट थी तो वो मुझे छोड़ के भाग गया, वो खुद तो भागा अपनी फैमिली को भी साथ में ले गए चला गया है। उनके जो सोमदत्त सैनी उनके जो दादा हैं वो भजन लाल जी के टाइम के OSD थे और वो उन्होंने ऐसी सिफारिश लगाई कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज 3 महीने बीत चुके हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सिर्फ कागजों में ये दिखा रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर उनके उन्होंने आज तक कहीं पे भी छापा नहीं मारा है, ना उनको ढूंढने की कोशिश की है। मेरे को उल्टा हरासमेंट कर रहे हैं और मेरे को बार बार बोलते हैं बयान दे। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इस चीज के लिए, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। मेरी तो ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि मैं मरने की कगार पे हूं, मेरे को न्याय नहीं मिल रहा पुलिस डिपार्टमेंट से, पुलिस वाले की या कुछ ऐसे ही कोई परिवार की तरफ से या कुछ और। सर वो मेरे को ये बोलते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, बस ये उनके बयान होते हैं। जब भी जितनी बड़ी बोलूं कि मेरे को करो ये कि मेरी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही है, उल्टा मेरे को ही धमकाते हैं कि आपको पता होगा तभी तो आप कुछ बता नहीं रहे हो, मैं कहाँ से बताऊं। वो मेरे को हम बोलते हैं कि तुम्हें अगर पता चले तो तुम बताओ हमें, कि मैं कहाँ से बताऊं सर, मैं अकेली लड़की कहाँ ढूंढूं उसको, क्या जितना मेरे को पता था मैंने उसको बता दिया, पर अभी भी 3 महीने हो चुके हैं तब भी कहते हैं कि तू खुद बता तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बताओ सर मेरे को कहाँ से न्याय मिलेगा जब मैंने ही कुछ करना है ऐसा। जो एप्लीकेशन सिम विंडो पे लगे थे क्या रिप्लाई आया था? सर कोई एप्लीकेशन का रिजल्ट मेरे को नजर नहीं आया, मैं 2 बड़ी डाल चुकी हूँ एप्लीकेशन पर, वहाँ पे कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं नजर आया जिसकी वजह से मेरे को रिलीफ मिले। मैं CM साहब से मिलने भी गई थी, उनके करनाल में रेस्ट हाउस में आए थे वो, पर पुलिस वालों ने मेरे से चलाकी खेली, मेरे को वहां तक जाने नहीं दिया। और मेरे को एक वहां सिक्योरिटी इंचार्ज था, उसने मेरे को अपना श्योरिटी दी कि तरह कार्रवाई होगी, और एक अंदर से आदमी आया उन्होंने एप्लीकेशन ली पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बहुत परेशान हो गई उनकी तरफ से भी, मैं सीएम साहब जब सुनने को रेडी नहीं है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हुई वहां पे।